हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपके लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पैटर्न। ये देखिए बहुत ही प्यारा फ्लावर है ये, और बहुत आसान है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। इसे मैंने ये पोंचों में लगाया है, आप शूज़, हेयर बैंड किसी में भी इसे लगा सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें क्रोशिया हुक चाहिए। ये मैंने 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है, और ये रेड कलर का ऊन। देखिए ऊन को आपको कैसे हैंडल करना है, देखिए दो उंगली के बीच में आपको ऊन को ऐसे फंसाना है, और इसे आपको इस तरह से पकड़ना है। अब क्रोशिया हुक को यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर से निकालेंगे और इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए, फिर इसके बाद जहाँ आपने ये टर्न किया यहाँ इसको पकड़ेंगे और एक लूप निकालेंगे। ये हमारी एक चेन हो गई। अब देखिए ये मैंने 30 पेटल्स का बनाया है, इसमें 30 पेटल्स हैं। ये जो एक एक निकला हुआ है 30 पेटल हैं। जितना आपको पेटल बनाना है उसका डबल आपको चेन बनाना है, यानी कि अगर मैंने इसमें 30 पेटल्स बनाए हैं तो मैंने मुझे इसमें 60 चेन की ज़रूरत होगी। मैं आपको 40 चेन से ये पेटल फ्लावर बना के बताती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको 40 चैन स्टिच बना लेनी है। ये मैंने 40 चैन कंप्लीट कर ली है। देखिए अब 40 चैन के बाद हम यहाँ उंगली रखेंगे, देखिए एक और ये दो, दो चैन लेंगे, और देखिए ये जिस पे हमने उंगली रखी है उसको छोड़ के उसके बाद वाला, ये देखिए यानी कि 39वें चैन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए फिर एक चैन लेंगे, और फिर देखिए इसमें हमने बनाया है, अगला वाला चैन स्किप कर देंगे और उसके बाद वाले में एक चैन स्किप करके हम अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे इस तरह से, और अगले वाले में देखिए इसमें बनाया है तो इसको स्किप करेंगे और इसके बाद वाले में इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे, नेक्स्ट स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, और इसी तरह से इस पूरी चेन को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे, और देखिए लास्ट वाले में इसमें मैंने बनाया डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाले में हम ये डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम दो चेन बनाएंगे डबल क्रोशे के लिए, और एक चेन बनाएंगे चेन स्पेस के लिए, यानी कि हमने तीन चेन बनाई है, थ्री चेन्स बनाई है। फिर हम देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनाया जस्ट इसके ऊपर सेम, ये देखिए सेम इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए देखिए इसके ऊपर है, फिर एक चेन लेंगे, और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर एक चेन लेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक और चेन बनाएंगे, और ऐसे ही ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमें ये दो रो बेसिक रो है, इसके बाद हम पैटर्न्स बनाएंगे, इस तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए ये हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे, अब हम पैटर्न्स बनाएंगे। सबसे पहले हम तीन चेन बनाएंगे, देखिए एक दो और ये तीन। अब इसके बाद देखिए अगर आपको पेटल्स छोटे बनाने हैं तो आप डबल क्रोशिया बनाइए, अगर आपको पेटल्स बड़े बनाने हैं तो आप यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाइए। तो चूंकि मैंने यहाँ पे तीन चेन सेकेंड रो कंप्लीट कर ली है, अब हम इसकी पेटल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो चेन बनाएंगे, देखिए टर्न होके हमने दो चेन बनाई, अब हम इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो और ये तीन, ये हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए क्या करना है, अगला जो चेन स्पेस है इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे ऐड करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर दो चेन बनाएंगे, देखिए दो और तीन डबल क्रोशिया, देखिए एक दो और ये तीन।
तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर देखिए नेक्स्ट चैन स्पेस में हम स्लिप स्टिच से इसे ऐड करेंगे, ये देखिए, फिर दो चैन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया, और इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे, एक दो तीन, और फिर इसके बाद इसे स्लिप स्टिच से इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमारे पेटल्स बन रहे हैं, तो इसी तरह हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट वाले में हमने स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया है और इसमें भी हम पेटल बनाएंगे। देखिए एक दो फिर तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। अब इसे हम यहीं पे तोड़ देंगे, लेकिन ये देखिए इस फ्लावर में मैंने बीच में मोती लगा रखा है, ये देखिए, और इसमें हम बीच में मोती की जगह इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, तो उसके लिए हम कंट्रास्ट कलर का ऊन ले लेंगे। तो पफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाइट कलर का ऊन यूज़ करूँगी। तो पहले हम इसे बंद करते हैं, देखिए इसे हम बढ़ा लेंगे, और इसे बढ़ाने के बाद इसमें जो हमारा ये जो ऊन है इसे हम इस तरह से पास करके, ये देखिए हमारी पट्टी इस तरह से बनी हुई थी, इस तरह से। अब हम यहीं पर ये जो वाइट ऊन है इसे जोड़ लेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम एक पफ स्टिच बनाएंगे, ये जो हमारा फर्स्ट होल है इसमें हम एक पफ स्टिच बना लेंगे, तो इस तरह से, ये देखिए इसे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे इस तरह से, फिर ऐसे लेके पांच बार हम ऐसे निकालेंगे, देखिए दो तीन चार और ये पांच, पांच बार निकालने के बाद हम इसे, ये देखिए इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए बंद करने के बाद इसमें से बाकी का थोड़ा सा ऊन निकाल के हम इसे ऊन को कट कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है वो इस तरह से बनेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो रेड वाला ऊन है इसमें हम निडल इंसर्ट करेंगे, और ये जो पफ स्टिच है इसके ऊन को हम ऐसे सेंटर में रखेंगे, ये देखिए ऐसे सेंटर में रखेंगे, और ये इस तरह से, इस तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे, इस तरह से, जी देखिए ये हो गया। अब ये जो हमारा ऊन है ये देखिए पीछे की तरफ है, इसे हम इस तरह से लेंगे, और देखिए जितने भी इसकी लेयर्स हैं उन्हें हम एक साथ सिलते जाएंगे, इस वाइट वाले किनारे कर लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं सिलना है आपको, इस तरह से लूजली ही सिलना है। और फिर हम थोड़ा सा अंदर से ये जो हमारा पेटल है वाइट वाला इसे थोड़ा सा, देखिए अंदर जो हमारी ये एक लेयर दिख रही है इसे लेके इस तरह से हम सिल देंगे, ये देखिए, और इसमें हम ये वाइट वाले से गांठ लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार है, एकदम बहुत ही प्यारा बहुत खूबसूरत फ्लावर बनके तैयार है। इसे आप किसी में भी लगाइए, और ये जो ऊन है ये सिलने के काम में आएगा, इसे किसी पे भी लगा के, जैसे ये मैंने पोंछों में लगा के सिल रखा है आप देख सकते हैं, इसी तरह आप ये फ्लावर भी कहीं भी लगा के इसे आप सिल सकते हैं, आप चाहे जितना बड़ा इसे आप बना सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। तो इस पैटर्न को बनाइए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।